नमस्कार दोस्तों, अगर आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल महामुकाबले में भारतीय टीम को अंतिम ओवर में मिली जीत पसंद आए हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को लाइक टारगेट 500 लाइक है। दोस्तों, एक पूरी तरह से हारे हुए फाइनल के महामुकाबले को किस तरह भारतीय टीम की गेंदबाजी ने जीत में बदल दिया और किस तरह रोहित शर्मा और उसकी टीम ने 13 सालों बाद यह T20 विश्व कप जीत कर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया, उसकी पूरी हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो वहीं इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास के दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरी के सामने खड़ी। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे भारत और साउथ अफ्रीका के। इस मुकाबले की शुरुआत हुई और भारतीय टीम ने टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी चुनी। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दिल और धड़कन कहे जाने वाले दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली के कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और दूसरे ओवर में केशव महाराज के गेंदों ने हेनरिक क्लासन के हाथों कैच आउट करा दिया। कप्तान रोहित शर्मा 5 गेंदों में बस 9 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद भारतीय कप्तान भारत को दो बड़े झटके लगे। ऋषभ पंत और सूर्या कुमार यादव भी जल्दी आउट हो गए और भारतीय टीम को अब बहुत ही ज्यादा दबाव में साउथ अफ्रीका के बॉलरों के सामने थे। लेकिन एक छोर पर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आए। विराट कोहली को इस दबाव में अक्षर पटेल के साथ मिलकर विराट कोहली ने एक लाजवाब और सकीय सजेदारी बनाई। दोनों ही खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका की गेंदबाज पर जमकर रन बनाए, लेकिन तभी अक्षर पटेल को डिकॉक ने रन आउट कर दिया और इस सजेदारी को तोड़ दिया। अक्षर पटेल 21 गेंद में 43 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली तो रुकने को ही तैयार नहीं थे। विराट कोहली ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि विराट कोहली को हम अंतिम बार इस टूर्नामेंट फॉर्मेट में खेलता हुआ देख रहे हैं। तो वहीं विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए शिवम दुबे ने भी इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना ताकत दिखाई। अंत में शिवम दुबे और विराट कोहली के बीच भी एक अहम अर्धशतकीय साझेदारी बनी थी, लेकिन तभी विराट कोहली को मार्को जॉनसन ने रवाड़े के हाथों कैच आउट करा दिया। विराट कोहली ने इस मुकाबले में 59 गेंदों में 76 रन बनाए और विराट कोहली की इस ऐतिहासिक पारी की वजह से भारतीय टीम ने 176 रन और रनों का एक बड़ा लक्ष्य साउथ अफ्रीका की टीम को आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 177 रनों का विशाल लक्ष्य पीछा करने साउथ अफ्रीका के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। खतरनाक फॉर्म में चल रहे क्विंटन डिकॉक और हेजा हैड्रिक्स की जोड़ी पर अब साउथ अफ्रीका के पूरे जिम्मेदारी थी, लेकिन फिर भारतीय टीम से मिली इस लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका शुरुआत में अच्छी नहीं करी और पारी के दूसरे ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने हेजा हैड्रिक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। हेजा हैड्रिक्स 5 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए साउथ अफ्रीका के कप्तान एंड्स मार्करम भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और उन्हें अर्शदीप सिंह ने आउट कर दिया। दबाव में साउथ अफ्रीका की टीम के ऊपर था, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए अस्तन के साथ मिलकर टीम डिकॉक ने एक महत्वपूर्ण अर्धशतक भी साझेदारी बनाई, जिसने फिर एक बार महामुकाबला साउथ अफ्रीका के तरफ मोड़ दिया। दबाव में भारतीय गेंदबाज पर था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने सेट हो चुके क्रिस स्पेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। 21 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक बल्लेबाज यानी हेनरिक क्लासन मैदान में उतरते और आते ही हेनरिक क्लासन ने अपना हाथ खोलना शुरू कर दिया था। दबाव में एक बार रोहित शर्मा पर था, लेकिन तभी क्विंटन डिकॉक को अर्शदीप सिंह ने कुलदीप यादव के हाथ कैच आउट करा दिया। सेट हो चुके क्विंटन डिकॉक 21 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन हेनरिक क्लासन इस मुकाबले में भारतीय टीम को
दुश्मन साबित हो रहे थे उसका साथ देने अब डेविड मिलर मैदान में उतरे, लेकिन हेनरी क्लासिन अब अकेले के दम पर इस मुकाबले को पलट रहे थे। पारी के 15वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल को हेनरी क्लासिन ने एक ही ओवर में 2 चौके और 2 गजब के छक्के लगाते हुए 24 रन बना दिए थे, जिसने पूरा मुकाबला ही भारतीय टीम से छीन लिया था, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका को केवल 30 गेंदों में सिर्फ 30 रन की जरूरत थी। भारतीय टीम को इस फाइनल में जिताने की उम्मीद पूरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब यहां से ही फाइनल का असली रोमांच शुरू हुआ और 17वां ओवर डालने हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में हेनरी क्लासिन को ही ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। क्लासिन इस मुकाबले में 27 गेंदों में 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हो गए। हेनरी क्लासिन के इस विकेट के साथ अब इस मुकाबला में भारतीय टीम में वापसी करने का एक बढ़िया मौका मिला, तो वहीं उसके अगले ही ओवर में विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए मार्क अनसन को जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर दिया था। भारतीय गेंदबाजी में लाजवाब प्रदर्शन कर रही भारतीय टीम के अब उम्मीद फिर एक बार जलने लगी थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह खतरनाक और सटीक गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका के रन गति को पूरी तरह से रोक दिया। लेकिन अब अंतिम 6 गेंदों में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। अब भी डेविड मिलर भारतीय टीम के लिए एक बड़ा खतरा बनकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पारी का आखिरी ओवर डालने आया हार्दिक पांड्या ने तो इस अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर डेविड मिलर को सूर्य के हाथों कैच आउट करा दिया। सूर्य कुमार यादव ने यह हैरान करने वाला कैच पकड़कर मानो कि विश्व कप ही पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए रबाड़ा उसकी पहले ही गेंद पर 4 रन मिले, लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या ने अपने ही अंतिम ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर में केवल 8 रन दिए और इसी के साथ भारत साउथ अफ्रीका के टीम से इस मैच को जीत लिया और 13 साल के अपने इंतजार को खत्म किया। इस T20 वर्ल्ड कप 2024 पर अपना नाम हमेशा के लिए लिख दिया। दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने इस पूरी तरह से हारे हुए मुकाबले को जीकर एक बड़ा कारनामा कर दिखाया, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के इस फाइनल के महामुकाबले में हीरो रहे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से सभी का दिल जीत लिया और हारे हुए मुकाबले में हेनरी क्लासिन का बड़ा विकेट हार्दिक पांड्या ने ही भारतीय टीम को विकेट दिलाया था। तो वहीं अंतिम ओवर में इस दबाव में भरे मुकाबले में गजब की गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को हार्दिक पांड्या ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, अब हार्दिक पांड्या की इस लाजवाब गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में कितना अंक देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।